दोस्तों लावा ने इंडियन मार्केट में अपना एक न्यू स्मार्टफोन लावा ब्लेज को लॉन्च कर दिया है। लेकिन इस स्मार्टफोन को आप भूल के भी मत लीजिएगा, क्योंकि इस स्मार्टफोन में एक चीज़ को छोड़ करके बाकी कुछ भी ऐसा है ही नहीं कि जिस वजह से इस स्मार्टफोन को लेना चाहिए। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, आखिरकार क्यों नहीं लेना चाहिए, इस वीडियो में बताएंगे। और बिना जाने हुए अगर इस स्मार्टफोन को आप परचेज कीजिएगा तो बस अपना पैसा को सिर्फ बर्बाद कीजिएगा, इससे और कुछ नहीं होगा। और इस स्मार्टफोन से बेटर स्मार्टफोन इस वीडियो में बताएंगे, इससे कम प्राइस में इससे बढ़िया स्मार्टफोन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन में आखिर मिलता क्या क्या है। तो इसमें 6.5 इंच का एक HD प्लस IPS LCD जिसका कि रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का दिया गया है। और ये डिस्प्ले जो है वाटर ड्रॉप नोच स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले लगाया गया है। और इसमें सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिलेगा और मेन कैमरा जो है वो 13 मेगापिक्सल का कैमरा मेन कैमरा मिलेगा। लेकिन कैमरा तो ट्रिपल कैमरा सेटअप का है, वो बस मोबाइल का शोभा बढ़ाने के लिए लगाया गया है ट्रिपल कैमरा का सेटअप। लेकिन मेन जो है आप 13 मेगापिक्सल का ही मेन कैमरा मिलने वाला है। प्रोसेसर का बात करें तो इसमें हीलियो A22 मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड प्रोसेसर है और बकवास और फालतू प्रोसेसर है, जो कि थोड़ा सा भी आप हैवी यूज तो कर ही नहीं सकते, नॉर्मल यूज में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें 5000 mAh का बैटरी मिलेगा और कंपनी का कहना कि ये फास्ट चार्ज को सपोर्ट करेगा, लेकिन कितने वाट को सपोर्ट करेगा ये कन्फर्मेशन नहीं है। एक बेसिक मान लेते हैं कि 10 वाट का फास्ट चार्ज को ये फ़ोन सपोर्ट करेगा। और इसमें आप USB टाइप सी पोर्ट दिया गया है। वहीं इस स्मार्टफोन के प्राइस का बात करें तो 3GB RAM 64GB स्टोरेज वाले का प्राइस जो है 8699 रुपया है। और ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 12 के साथ आता है। तो ये था इस स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन। इस स्मार्टफोन में बस एक ही चीज़ बढ़िया कि ये स्मार्टफोन बैक में ग्लास बैक के साथ आता है, मतलब बैक साइड पर ग्लास मिलेगा। तो जो लोग 8600 रुपया में एक ग्लास बैक वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। वैसे सिर्फ और सिर्फ ग्लास बैक ही जो है इस स्मार्टफोन का खासियत है, अच्छा है, बाद बाकी इसमें कुछ नहीं है, खोखला है। और प्रोसेसर जो लगाया गया ना, ये इतना पुराना प्रोसेसर है कि समझिए कि जब किसी दीवार या पैर में जो दीमक लग जाता है तो दीवार और पैर को खा जाता है ना, तो उसी तरीके से दीमक लगा हुआ प्रोसेसर इसमें ये लगाया गया है। A22 है, इतना ओल्ड है कि इसमें दीमक लग चुका है, एकदम बकवास फालतू है। आप अगर जल्दी जल्दी में फ़ोन को यूज कीजिएगा नॉर्मल यूज में भी तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मतलब इतना ख़राब है। और एक फ़ोन का प्रोसेसर ही जब घटिया हो जाए तो बचा है उस स्मार्टफोन में क्या है, मेन तो प्रोसेसर ही होता है। और बैटरी तो 5000 mAh का मिल रहा है लेकिन 3GB RAM ही मिल रहा है। आज के डेट में 7 से 8 हज़ार रुपया लगाइए या कोई भी फ़ोन खरीदिए तो एटलीस्ट कम से कम 4GB का रैम होना नेसेसरी है, और रैम 3 ही GB मिल रहा है। और कैमरा भी 13 मेगापिक्सल का साधारण है, मतलब कुछ भी बाकी बात इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि इसको परचेज किया जाए। हाँ, ये एक इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी का ये स्मार्टफोन है। अगर ये इस नाते आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल निसंदेह आप परचेज कीजिए, लेकिन सिर्फ एक स्मार्टफोन के नज़र से देखें तो इसमें कुछ भी नहीं है। इसे मेरे समझ से आप चुपचाप इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले के साथ जाइए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अभी 9000 से 10000 के रेंज में उससे बढ़िया एक भी फ़ोन मुझे नहीं लगा है। सबसे चीप एंड बेस्ट है इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले, उसमें मिल जाएगा पंच होल डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, मतलब हर चीज़ इससे बेस्ट और बेटर है। वैसे मुझे जो सही लगा इस वीडियो में बता दिए, बाद बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।